हम 24 घंटे साउंड से घिरे रहते हैं, और जब साउंड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी जगह में, सिंपली हम बहुत इरिटेट होते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसको मेजर करा जाता है डेसिबल्स में। इसी डेसिबल की रीडिंग को लेने के लिए हम एसटीसी के साउंड लेवल मीटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ आपको मिलती हैं। सबसे ऊपर ही कैलिब्रेशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक यूज़र्स मैनुअल, एक ड्राइवर डीवीडी भी दी गई है, क्योंकि इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके काफ़ी सारे और फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के लिए एक यूएसबी केबल दी गई है इसको कनेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम से, एक 9 वोल्ट बैटरी, साथ में एक ट्राइपॉड भी दिया गया है जिसके ज़रिए साउंड लेवल मीटर को आप माउंट कर सकते हैं। इसको कैलिब्रेट करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया है। ऑक्सिलरी इनपुट लेने के लिए एक RC जैक, ऑल्टरनेट पावर के लिए एक 9 वोल्ट का पावर अडैप्टर भी मिलता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसमें बैटरी इंस्टॉल कर लेंगे पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए। मीटर को पावर ऑन कर लेंगे, पावर के बटन को होल्ड करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये वाला बटन इसकी स्क्रीन की LED के लिए है। डेसिबल ए और सी के बीच में शिफ्ट करने के लिए इस बटन को आप दबाएंगे तो देख सकते हैं ये लिख के आ जाता है इस पर कि किस तरीके से इस वक्त ये मेजरमेंट ले रहा है। अब इन दोनों ही मेजरमेंट्स में फ़र्क रहता है कि डेसिबल ए को हम मानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक रहता है हमारे हियरिंग के हिसाब से। जो भी लोअर फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं उनके लिए हमारा हियरिंग थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी हम उसकी ज़्यादा लाउडनेस बर्दाश्त कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टीरियो सिस्टम्स में जो बेस होती है काफ़ी ज़्यादा लाउड करने के बाद भी आप बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन वहीं अगर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स की हम बात करें तो उसके लिए हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। स्पेशली जो हॉर्न अगर आपने देखे हों किसी भी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा शार्पली हमें लगते हैं तो उसमें हमारी हियरिंग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वहीं अगर डेसिबल सी की बात करें तो इसमें चाहे लोअर फ्रिक्वेंसीज हो या अपर हो इसमें बराबर वेटेज दी जाती है। तो इसमें देखेंगे आप कई बार कि डेसिबल्स की जो रीडिंग है थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। सेट के बटन से आप डेट और टाइम इसका देख सकते हैं, और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो पावर ऑफ करके उसके सेट के बटन को होल्ड करते हुए फिर आपको पावर ऑन करनी है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो ये डेट आ रही है ये ब्लिंक कर रही है। ऊपर और नीचे के बटन्स के ज़रिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये ईयर है, ये मंथ है और ये डेट है। ऐसी टाइम भी इसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम को सेव करने के लिए होल्ड के बटन को दबाएं। इसमें रीडिंग लेने के लिए दो मोड्स हैं, एक फास्ट है एक स्लो है। स्लो में ये थोड़ा देर में अपडेट करता है, एक सेकंड में एक ही बार सैंपल लेता है, और फास्ट में ये मल्टीपल सैंपलिंग कर लेता है एक सेकंड में। मेजरमेंट को होल्ड करने के लिए होल्ड के बटन का आप दबा सकते हैं। ऐसे इसके डिस्प्ले पे आपको रेंज देखने को मिल रही होगी, अभी 30 से लेकर 130 डेसिबल्स के बीच में आ रही है, 30 से 80, 50 से 100। तो ये जो लेवल का बटन है इसके ज़रिए आप स्विच कर सकते हैं, अलग अलग रेंज इसमें देख सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम के बटन को दबा के आप ये देख सकते हैं कि कितनी मिनिमम रीडिंग अभी पिछले कुछ समय में इसने ली है और कितनी मैक्सिमम ली है। मीटर के लेफ्ट साइड पर भी कुछ पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैलिब्रेशन के लिए एक स्क्रू दिया गया है जिसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप थोड़ा सा स्क्रू या अनस्क्रू करते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। ये कंपनी करती है, आपको खुद से नहीं करना है। ऐसी ऑडियो की जो आउटपुट देगा RC जैक को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया है। एक USB का पोर्ट है जिसके ज़रिए कंप्यूटर से आप इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं और अडेप्टर के ज़रिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो 9 वोल्ट के पोर्ट से इसको पावर दे सकते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे पहले सिस्टम में। ड्राइवर के इंस्टॉलेशन से पहले इंश्योर कर ले विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, जिसको आपने ऑनलाइन एक्टिवेट कर रखा हो, और लेटेस्ट विंडोज़ अपडेट्स भी इंस्टॉल कर रखी हो। ड्राइवर को रन करने के बाद इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ के आप एग्री कर सकते हैं इसकी कंडीशंस को। उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है और 1 से 2 मिनट के बीच में इंस्टॉलेशन हो जाता है कंप्लीट। डिपेंड करता है आपके सिस्टम की हार्डवेयर कितनी पावरफुल है। कुछ ही मिनटों में पहला ड्राइवर इसका इंस्टॉल हो चुका है। अब अगला सिलिकॉन लैब्स का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट के बटन को दबा के लाइसेंस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके दोबारा नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन की डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉलेशन पूरा होगा और आप फिनिश के बटन को दबाएंगे वैसे वर्चुअल कम्युनिकेशन पोर्ट का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए इंस्टॉलर कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करेगा, और उसके बाद साउंड लेवल मीटर के नाम से आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन जाएगा जिसको डबल क्लिक करके आपको लॉन्च करना है। और यही सॉफ्टवेयर बहुत सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपको देगी जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर से साउंड लेवल मीटर को कनेक्ट करके डेटा लॉगिंग कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली इतनी रीडिंग ये दिखा रहा है और डेसिबल ए से मेजरमेंट ले रहा है। इसी को चेंज करने के लिए डेसिबल सी पे आप दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर वो सारे बटन्स दिए गए हैं जो साउंड लेवल मीटर पे फिजिकली हैं, जैसे ये LED ऑन ऑफ करने के लिए है, ये A और C के बीच में स्विच करने के लिए है, ये स्लो और फास्ट की रीडिंग लेने के लिए है,
ऐसी थ्रेशोल्ड लेवल को एडजस्ट करने के लिए होता है। इसकी मेमोरी क्लियर करने के लिए यहाँ क्लियर का बटन दिया है। इसमें एक ग्राफ भी देखने को आपको मिलता है, जिसमें अगर आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो स्टार्ट दबाएंगे तो देख सकते हैं कि ग्राफ पे प्लॉट करने लग गया है जो भी डेसिबल्स की रीडिंग्स ये अभी ले रहा है। सैम्पल रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सेकंड में कितनी बार सैम्पलिंग ये करेगा। अब मान लीजिए एक सेकंड में अगर दो बार आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2.0 सेलेक्ट कर सकते हैं। डेसिबल का कर्व ए वेटेड या सी वेटेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाई और लो की यूनिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। अभी हर 2 सेकंड का इंटरवल है, इसलिए आप देख सकते हैं हर 2 सेकंड्स में रीडिंग ले रहा है। और अगर इसी को हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बढ़ाना चाहें, ज़्यादा रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं एक सेकंड में, जैसे 0.05 अगर हम कर देते हैं तो बहुत स्पीड से ये रिकॉर्डिंग करेगा, ये देख सकते हैं। और किसी पुराने ग्राफ को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी हमने जो रीडिंग ली यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है इसने। इस ग्राफ को आप और नज़दीक से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको और बटन्स दिए गए हैं, जैसे राइट क्लिक अगर आप करते हैं ग्राफ का आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कंफर्टेबल है इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक्स और वाई के स्केल को स्विच भी कर सकते हैं, डेटा को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी जूम करने के लिए इस तरीके से काम करता है, तो अगर आपको जूम आउट करना है यहाँ पर आपको जूम आउट का ये आइकॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसे जूम आउट कर जाता है। इससे पहले हमने जूम इन सेलेक्ट करा था। एक्स एक्सिस पे जूम करने के लिए ये वाला आइकॉन आपको सेलेक्ट करना है और वाई एक्सिस पे जूम करने के लिए ये वाला, और जैसे ही ग्राफ के ऊपर आप कर्सर को ड्रैग करेंगे वैसे ही ये जूम कर देता है। इस वाले आइकॉन को सेलेक्ट करने के बाद जब आप ग्राफ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करने लगता है। अब मार्केट में बहुत तरीके के साउंड लेवल मीटर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सी फंक्शनलिटी ये आपको एक्स्ट्रा दे देता है, जिसके वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा जस्टिफाई रहता है। इसी डिवाइस की मदद से बहुत सी मेजरमेंट्स ली जाती है। पुलिस इसी साउंड लेवल मीटर्स के जरिए पता लगाती है कि आपने कोई भी मॉडिफिकेशन कर रखा है एग्जॉस्ट में कि नहीं। और बहुत सारी जगह जहाँ हैवी मशीनरीज लगी होती है वहाँ भी साउंड लेवल चेक करा जाता है, क्योंकि जब इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉइसी एनवायरनमेंट में रहता है तो उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस प्रोडक्ट की कीमत जानने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल इससे जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।